सच्चा नगर पालिका परिसर रामनगर को जानने का आपका धन्यवाद। ये भैया एक और कौन है तो दीपांशु भाई खाएंगे, खाओ दीपांशु भाई। हम खा रहे हैं, हम कल खाएंगे, कल खाओगे पान खाओ भैया हमारे। ए भैया खा लिया पान। तो ये हो रहा है हमारा कुछ, ये हमारा रूम था जो मैं 800 में पढ़ा था और अब चेकआउट कर रहे हैं, निकलते हैं। और ये कुछ ऐसा रेडियो था भाई, ये कुछ रूम था हमारा जो कि हमें 800 में पढ़ा था। बाकी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा स्क्रीन पर, आप देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई से। और ये इनसे अच्छे रूम आपको सस्ते दाम में मिल जाएंगे। अरे तुम्हारे तो है गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज़ ब्लॉगर एमटी, यू कैन कॉल मी एमटी भाई। सो गाइस फाइनली अभी हम हल्द्वानी में हैं और भाई काफ़ी शानदार। ओ भैये बज गया भैये, आराम से थोड़ा आराम से चलो। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं अभी शोरूम पे जो कि हमारा एक्टिवा का शोरूम है हल्द्वानी में। सो चल दिए, चलते हैं, मिलते हैं आपको अगेन। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारा शोरूम और ये कुछ हमारा शोरूम है होंडा का, हमारी एक्टिवा का, और जो कि हमारा पड़ता है दिल्ली रामपुर रुद्रपुर रोड के एकदम जस्ट बगल में। अब देख रहे हो जैसे कि बोर्ड में आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं, टाइम अभी होएगा अभी 9:10 बजे खुलता है। आज पहले एक स्टैम हमारे साथ ये हुआ कि शुक्रवार के दिन हमारा रामनगर बंद रहता है और आज हमारा शनिवार है, शनिवार के दिन हमारा हल्द्वानी मार्केट बंद रहती है। तो भैया अब हमारे साथ हो गया स्कैम, अब हम निकल रहे हैं रामनगर की ओर, वहाँ करवाएंगे अपनी गाड़ी की सर्विस। हाँ जी भैया ऐसा है कुछ सीन, तो निकल रहे हैं अभी हम हल्द्वानी में हैं और हल्द्वानी आप देख सकते हैं, अभी हम निकल रहे हैं रामनगर की ओर। तो चलिए आप मजे लीजिए। अरे रामनगर तो सीधी रोड है ना, हुआ था हमें पहले, हमारा प्लान रूट प्लान ये था हम रामनगर जाएंगे, फिर उसके बाद ये इशू हुआ कि भाई रामनगर मार्केट शुक्रवार को बंद रहती है। तो हमने डिसीजन लिया कि हम सीधा हल्द्वानी निकलेंगे और फिर अभी ये इशू हुआ तो भैया आज शनिवार है, पहले पता नहीं था, वो भैया ने भी हमें कंफर्म बताया नहीं कि आज बंद रहता है। ले भैया अब तो हमारा आज शनिवार भी बंद हुआ, उससे क्या हुआ हमारी जो सर्विस करानी थी स्कूटी की वो हुई नहीं। अब हम निकल रहे हैं रामनगर, अब रामनगर एक्टिवा शोरूम में होंडा शोरूम में आराम से सर्विस कराएंगे। तो भाई जब भी आप हाईवे में चलो तो मिरर हमेशा अपने मिरर को सेट करके हमेशा मिरर में देखते हुए चलना चाहिए हमें,
और भाई काफ़ी शानदार, इधर उधर लेफ्ट राइट देख के हमें इंडिकेटर देख के काफ़ी चीज़ें देख के हमें हाईवे क्रॉस करना चाहिए। अच्छा हमको सिखा रहा है। गाइस वीडियोस तो हमने बनाई नहीं, आप कुछ फोटो क्लिक देख सकते हैं। हमारी स्कूटी की सर्विस हो रही है जो कि सेकंड सर्विस थी, बट इन्होंने थर्ड में इंक्लूड कर दी। और ये कुछ इसका एयर फिल्टर देखो कितना काला हो गया है, और बाकी सर्विस वगैरह हमने करवाई और कुछ फोटो क्लिप आप देख सकते हैं रामनगर की। ये हमारी कुछ फोटो क्लिप्स हैं और एक अलग फोटो क्लिप्स ये भी हैं। सो गाइस कैसी लगा आपको वीडियो, कमेंट